पाकिस्तान ने हतफ 9 नसर मिसाइल का कामयाब तजर्बा किया है। दुनिया न्यूज के नुमाइंदे मोहम्मद इमरान से इस बारे में बात करते हैं। इमरान, इसकी खसूसियात और सलाहियत के बारे में बताएं। ये कम फासले का मिसाइल है, इसकी 60 किलोमीटर तक की रेंज है, जहां पर ये अपने हदफ को बहुत एक्यूरेसी के साथ निशाना बना सकता है। इसकी जो दूसरी बड़ी खासियत है वो ये है कि ये मल्टी ट्यूब मिसाइल है, यानी इसको आप गाड़ी के ऊपर भी रखकर एक वक्त में कई मिसाइल इसके फायर किए जा सकते हैं। इसमें जो इसका सिस्टम और इसके दीगर जो पैरामीटर जिसके अंदर डेवलप किए गए हैं, उससे इसकी एक्यूरेसी जो है वो बेहतर होती की गई है इस हवाले से। और अब बताया जा रहा है कि जो शॉर्ट रेंज के मिसाइल्स हैं पाकिस्तान के पास, उसमें ये एक बेहतरीन मिसाइल है जो कि न्यूक्लियर वारहेड ले जाने की सलाहियत रखता है। अच्छा, ये बताइएगा कि ये जो हतफ 9 नसर मिसाइल है, इसका तजर्बा किस तरह से किया गया और इसने टारगेट को कामयाबी से निशाना बनाया? जो अभी तक इसके हवाले से तो नहीं बताया गया कि इसका तजुर्बा किस लिए किया गया, लेकिन जो बताया जा रहा है कि मल्टी ट्यूब बैरल के जरिए यकीनन इसका तजुर्बा जो है वो किया गया है। कि अमूमन जो शॉर्ट रेंज मिसाइल्स होते हैं, जिनकी मूवमेंट के हवाले से भी, कि ताकि इसको जल्दी से मूव करके एक जगह से या दूसरी जगह से, और मुख्तलिफ लॉन्चिंग पैड्स के हवाले से कि जमीन से भी और गाड़ी के साथ गाड़ी से भी इसके ऊपर इसको फायर किया जा सकता है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया मोहम्मद इमरान आपका।